Very good morning, Governor Rajyapal K.K. Paul, मेरे सहयोगी यहाँ के मित्र और यहाँ के मंत्री उच्च शिक्षा के धन सिंह रावत, उत्पल घोष जी, चोपड़ा जी, श्रीहरि जी, जो पेरेंट्स आए हैं मुझे ऊपर दिखते हैं, और स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, प्रोफेसर्स, मीडिया, आज का दिन आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि कुछ लोगों के 15 साल, कुछ के 17 साल, कुछ छात्रों के 20 साल पढ़ाई में गए हैं। यह एक लंबी तपस्या होती है, ये एक फोकस और अनुशासन के बिना संभव नहीं होता। लोग शुरू करते उत्साह से लेकिन थक जाते राह में। आपने ये सिलसिला 20 साल, 17 साल, 15 साल जो लगातार काम किया, आप यहां तक पहुंच गए हो, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाई। आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या? विषय का ज्ञान होना ये एक हिस्सा है, स्किल पैदा होना, कौशल मिलना रोजगार के लिए, ये दूसरा हिस्सा है। लेकिन सही में शिक्षा का उद्देश्य है कि अच्छे इंसान का पैदा होना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है शिक्षा का। डोमेन नॉलेज इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, स्किल इज अनदर सेट विच वी एक्वायर ड्यूरिंग द कोर्स, बट द रियल पर्पज ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग आउट ए गुड ह्यूमन बींग आउट ऑफ दिस सिस्टम। और इसलिए अच्छे इंसान बनो, अच्छे सफल व्यावसायिक या प्रोफेशनल बनो, लेकिन एथिकल बनो। एथिक के बिना कुछ भी नहीं जिंदगी में। मूल्यों के आधार पर ही आप जिनको ताली बजा रहे थे, मैं भी छात्र आंदोलन की उपज हूं तो मुझे पता है कब तालियां कैसे बजती है, क्यों बजती है, किस ताली का क्या अर्थ है। कौन लोकप्रिय प्राध्यापक अध्यापक होते हैं, कौन ध्यान रहते 20 साल के बाद? आज स्कूल का कौन सा टीचर आपको याद रहता है? पढ़ाते तो सब है, लेकिन जो आपसे ह्यूमन बिहेवियर करता है, मानवीय संवेदना से काम करता है, वही टीचर आपको याद रहता है, और वही स्टूडेंट्स भी आपके हमेशा मित्र होते हैं, यही है कबक। इसलिए बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। यहां आप फीस देकर पढ़े हो, लेकिन पूरे आपके 15-20 साल में कहीं ना कहीं तो ऐसे मुकाम होंगे जहां जो सरकारी स्कूलों में पढ़े, सरकारी कॉलेजों में पढ़े, या कि जहां सरकार का अनुदान यानी गरीब से गरीब का वो अंशदान होता है, गरीब से अंशदान होता है आपके शिक्षा को। और जिसने पहली से आज तक केवल फीस भर के शिक्षा की है, उस पर भी एक समाज का बड़ा बोझ होता है, क्योंकि ये ज्ञान आपने पढ़ा है, तैयार नहीं किया है। ये भाषा हम बोल रहे हैं, हमने तैयार नहीं की है। वो ऋषि मुनियों ने और वैज्ञानिकों ने और ये सारे विषय तैयार किए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो उनका स्मरण है। ये हमारे पर सोशल ऑब्लिगेशन है, हमेशा गरीब की याद रखो, समाज की याद रखो, उसके लिए कुछ ना कुछ करो, यही संदेश आज का होता है, दूसरा कुछ। पीएम ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन है 2030 में भारत दुनिया की तीसरी ताकत होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और मैं मेरे सामने यही न्यू इंडिया देख रहा हूं जो ये पीएम की मंशा को साकार कर सकते हैं, ये आप ही रहे, यही न्यू इंडिया।
अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था, दे आर माइटी थिंग्स, हिम्मत बड़ी करो, लो एम इज क्राइम, बड़ा लक्ष्य रखो, उसके लिए कड़ी मेहनत करो, तब जाके आपके हाथ से भी कुछ ऐसा होगा कि पीढ़ियां याद करेगी, वही सफलता का निशान होता है। आज आप यहां से जाओगे, ये कितना बढ़िया कैंपस है, यू आर लकी इनफ टू हैव दिस गुड कैंपस। और दूसरी एक विशेषता है कि आप डाइवर्सिटी में, ये मैंने पूछा तो देश के सभी राज्यों के छात्र इस कैंपस में आते हैं, सीखते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट लर्निंग, लर्निंग इन डाइवर्सिटी, एक दूसरे की आदर करना सीखो, यही होता है डाइवर्सिटी में ट्रेनिंग, कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करते हैं, उसके प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखकर हम में बदलाव करते हैं, यही तो लर्निंग इन डाइवर्सिटी है। ये किताबों में नहीं होता, ये हॉस्टल में होता है, ये कैंपस में होता है, ये क्लासरूम में होता है, यही भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज मैं पेरेंट्स जो भी आए हैं और बाकी भी पेरेंट्स, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप पर विश्वास रखा और आपको जो करना था वो करने को परमिट किया, इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। दे ट्रस्टेड इन यू, दे बिलीव्ड इन योर आइडिया, दे पुट फेथ इन योर एफर्ट्स एंड एस्पिरेशन, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव सच पेरेंट्स। और देयरफॉर, क्योंकि जब आपने कहा होगा मैं पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं, तो शायद अनेक पेरेंट्स ने सुना भी नहीं होगा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है डेहराडून में, ये है, नहीं होता है, लेकिन दे बिलीव इन यू एंड देयरफॉर दे अलाउड यू, सो ग्रेट क्यूडोस टू देम। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी, ये एक देश के महत्वपूर्ण विषय को छूने वाला पहला संस्थान है, और इसलिए इस संस्थान को भी बहुत बधाई। आज पेट्रोलियम के 3 यूनिवर्सिटीज है, लेकिन आपकी पहली है, जो पहली राह चुनता है उसकी चुनौती भी भारी होती है, लेकिन उसकी सफलता भी बहुत अच्छी होती है, यह आपका काबिल मुकाम पर अप है। This institute presents academic excellence. I was just discussing how you bring good faculties here, and they told me various ways by which they are attracting good quality faculties. You are also having collaboration and good exchange program, and the final test of it is the placements. If you don't perform as an institution, your students won't get correct placement. But with 90%+ per placement, you are already achieved number one. That is the best course you have already achieved. See, markets are always cruel. They accept performance and best. They don't buy less quality. They go for quality, and therefore the product, that is the students, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनकी तपस्या है, उनका अध्ययन है, लेकिन आपका मार्गदर्शन है, आपने एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया जिसके कारण वो प्लेस होने लायक बने, ये भी महत्वपूर्ण है। और टीचर्स जो यहां बैठे हैं उनके लिए भी हम जोरदार तालियां देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें शेप किया है। They have not only taught us subjects, they have shaped our personality. और courses का mix भी आपने बहुत अच्छा किया, law के साथ engineering है, बदलते हुए दुनिया के परिपेक्ष में जो संस्थान courses करेगा वही संस्थान आगे बढ़ेगा, that institute only will grow which have the flexible and very relevant courses, and they design new courses.
ये होना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी विल बी द थर्ड पावर इन द वर्ल्ड बिकॉज ही बिलीव्स दैट रिसर्च एंड इनोवेशन इज द ओनली वे टू गो अहेड। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में चार तरह से देश समृद्ध बन सकता है। एक यूरोप का तरीका जो 17वें 18वें 19वें सदी में उन्होंने किया, कॉलोनीज बिठाई और कॉलोनीज की लूट की, लेकिन वो अच्छा भी नहीं है और अब संभव भी नहीं है। दूसरा है कि जो मिडिल ईस्ट में है, जहां खोदो वहां ऑयल है, तो वो नेचर्स बाउंटी है, यू कैन डिमांड इट। आपके पास जो है उसी में से आपको तैयार करना पड़ता है, तो वो भी रहा हमारे लिए नहीं है। तीसरा है जो पिछले 30-35 साल से चाइना और इंडिया ने किया, इन अ वे रिवर्स इंजीनियरिंग एंड इसेंशियली कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इसेंशियली ऑन द बैक ऑफ लोअर वेजेस। बट उसकी भी एक लिमिटेशन है। सही समृद्धि का रास्ता इनोवेशन के द्वारा आती है, और इसीलिए शोध और अनुसंधान का कोई वैकल्प नहीं है, यही जिंदगी है, यही देश को आगे ले जाएगा। आज यहां हम बैठे हैं, ये एलईडी लाइट, ये सारे आए, कितना एक बल्ब निकाला था जेम्स वैट ने, वहां से यहां तक कि सफर कितनी लंबी है, कितना इनोवेशन है उसमें भरा हुआ। आज ये मीडिया के कैमरे मेरे सामने है, मीडिया की पूरी दुनिया कैसे बदल गई, ये इंटरनेट आया, हमारी जिंदगी कैसे बदल गई, मोबाइल आया हमारे हाथ में, दुनिया कर लो मुट्ठी में, वैसा हुआ, एक्चुअली हो गया, मुट्ठी में आ गया। तो ये जो ताकत है वो इनोवेशन की ताकत है। मुझे लगता है मुझे तो रोज नए शोध की जरूरत रोज मुझे दिखती है। जैसे अभी सारा फोकस हम पर है, फोकस छात्रों पर चाहिए था, थोड़ा लाइट घुमा कर उनको क्यों नहीं लगाया, नए तरीके से थिंकिंग करना। जैसे मैं देखता हूं हम आते हैं किसी कार्यक्रम में तो सारे कैमरामैन हमारे फोटो निकालते रहते हैं, तो वो पीछे पीछे जाते हैं, मुझे लगा गाड़ी को रिवर्स होता है आईना, वैसा उनको भी आंखों पर एक आईना की ओर बिठाएंगे ताकि उनको पीछे नहीं तो गिरते हैं बेचारे। शोध के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, अपने आसपास जरूरतें पड़ी होती है, हमें उसमें से ढूंढना है। ऑयल के पेट्रोलॉजी के क्षेत्र में मैं तो जानता नहीं, लेकिन कितने शोध क्यों लगे और कितनी दुनिया बदल गई। अमेरिका की पूरी लड़ाई ऑयल के लिए चलती थी, एक तरह से आज भी दुनिया में चलता है, लेकिन एनर्जी का ही तो मुद्दा है। मैं पर्यावरण मंत्री था, पेरिस अकॉर्ड इज ऑल अबाउट एनर्जी, हाउ वी क्रिएट ग्रीन एनर्जी। अब हमने प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया कि 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स, पीपल थॉट इट्स क्रेजी, बट मैंने कहा ना दे आर माइटी थिंग्स। कुछ अच्छा करने के जिगर से काम किया और आज सफल होने लगा। जहां 19 रुपीज सोलर पावर था, आज लास्ट बीड हो गया है 3 रुपए तक आ गया। ये चमत्कार नहीं हुआ, ये विज्ञान की सिद्धि है, क्योंकि कितना बदल गया तकनीक। तो शोध की जरूरत है। भारत सरकार भी इसकी इसी दिशा में पूरे उच्च शिक्षा का रिफॉर्म करने जा रही है, कर रही है। पहले तो हमने हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी तैयार किया है, बजट की हमेशा कमी रहती है, तो हमने वित्त मंत्री जी को कहा और वित्त मंत्री ने भी 2000 करोड़ रुपए बजट से देंगे, हम डेट इंस्ट्रूमेंट से 20,000 करोड़ रुपए जनरेट करेंगे और 20,000 करोड़ आने वाले 3 साल में इसेंशियली अच्छे संस्थानों का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए हम देने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए लोगों को देंगे। यह हायर एजुकेशन का दिस स्केल ऑफ फाइनेंस नेवर अपॉन $3 बिलियन।
छात्र अच्छे, बहुत प्रतिभाशाली, इनोवेट कौन करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो 1000-2000 छात्र होते हैं, 5000 छात्र होते हैं देश में, वो सब विदेश में जाकर अनुसंधान करते हैं। क्यों? वहां बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज है, वहां बेस्ट गाइड्स है और वहां स्कॉलरशिप है। मुख्यमंत्री जी आए, बहुत जोर से तालियों से स्वागत करें। वीरेंद्र सिंह जी आइए। त्रिवेंद्र सिंह जी आए हैं, एक नई आशा और सौगात लेकर आए हैं और उत्तराखंड का चेहरा और सूरत अच्छे के लिए बदलेगी, ये मैं जरूर बताऊंगा। तो बस टेलिंग अबाउट व्हाई ब्रेन ड्रेन हैपन्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स गो आउट ओनली बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च एपरेटस, high quality faculties, high quality freedom, and more importantly, good scholarships, fellowships. हम ये सब ही यहाँ ही देना चाहते हैं और इसलिए हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी से अच्छे लैब्स यहाँ बने, अच्छे टीचर बने, एक ग्लोबल रिसर्च इंटरैक्टिव नेटवर्क का हम इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स यहाँ 5 साल करेंगे रिसर्च, लेकिन उसके बीच में 1 साल बेस्ट लैब और बेस्ट गाइड का भी मार्गदर्शन विदेश में जाकर ले सकते हैं, उसका भी खर्चा हम करेंगे और 1 लाख रुपए का पीएम स्कॉलरशिप भी मंथली देंगे, ये भी हम यहाँ करने वाले हैं टू रिटेन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स। यहाँ हमने नए और भी काम शुरू किया है, ज्ञान विदेश से 58 देशों से पिछले साल 600 फैकल्टी प्रोफेसर आए और यहां 3 सप्ताह रहकर एक एक कोर्स कंडक्ट किया, इट हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल। दिस ईयर वी आर कॉलिंग 800 प्रोफेसर फ्रॉम 60 कंट्रीज, दैट्स अ बिग एक्सचेंज, दैट्स अ बिग इनिशिएटिव। We have already started incubation centers. We have allowed students to start startups from their hostel rooms. And I'm happy to note that 600 such startups have started working. That's the real effort and that's the new initiative. We have already started imprint. We ask research proposals in 10 domain areas about the research requirement of the country, and more than 1500 proposals we received, we have finalized 300, and we have already started giving money for these proposals, 600 crore rupees to fund the research proposals from students, teachers, professors. We have already started Uchchatar Avishkar Yojana, which is a meaningful industry-academy interaction. Already 98 customized requests from industries have come and IIT faculties and students teams are working on it, and I am very sure this is the good beginning. We are also asking scientists from research institute to come and conduct course, at least one course in a year in any institute, because that is how level of research and innovation grows up. We also organize hackathon. Was for engineering student, I hope from your university also people may have participated. Yes, those who have participated in the hackathon, please. Yeah, so how this happened? It was never happened. We organized India Smart Hackathon for the first time in 2016 and to my 2017, and to my surprise, with one email, 42,000 students from 2,000 engineering colleges registered. We gave them problem statements. 300 problem statements where digital solutions were required. They were given by 30 ministries. That's also a changed government culture. Paul must be knowing. Rajyapal Mahoday jante honge ki agar pehle kabhi mantralay ko poochte ki aapke liye problem statement kya hai, to wo kehte the hamare liye koi problem nahi hai. Problem hoga to janta ko hoga. Lekin yahan alag sthiti ban gayi, culture badal gaya, to isme 600 problem statements were given by respective ministries and we worked upon them. Students worked for 3 months and then
finalists were 10,000 finalists, 1600 teams were selected based on their achievement. And they on 1st and 2nd April, they worked non-stop 36 hours to come out with their code and essential product. And I am happy that more than 200 problem statements have received good digital solutions. We are now taking them forward to make it a final utility or product. So that's how we want to give real innovation and research. Last but not least, we are completely reforming our regulatory regime. More freedom to good institutes, middle level institute 50-50 regulation and freedom, and lower level institutes 80% regulation, 20% freedom, and for good institute 80% freedom and only 20% regulation. That will be the future. We are reforming the whole regulatory regime. And yesterday only we have started yet another new thing is Swayam, India's own MOOCs. When I saw first time Swayam lessons, the first course which I saw was petrology, because I don't know anything about it. So I said I want to see. Whether I can understand, then anybody can understand. And that is the crux. But Swayam is an open platform, free of cost. 2,000 courses, now there are 358 courses, 2,000 courses will be there. There will be lecture by experts, material, tutorial, interaction, examination, certification for in-student choice-based credit system, they will get credit, and for others, it will be learning anytime, anywhere, and anybody, and forever learning. That's the new initiative with which government is inculcating and supporting the effort to make our country a research and innovation hub. That's our vision. Thank you and all the best.